नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत दविंदापुर में और ये पंचायत भवन आप देख रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं पंचायत भवन की तस्वीरें और यहाँ पे जो है पूरी बाउंड्री जो है इतनी जर्जर है, पूरी बाउंड्री की टूटी पड़ी है। और देखिए ये जो है तो प्राइवेट जो टंकी वंकी लगा रखे है और पूरी बाउंड्री देखिए पंचायत भवन के जो लाखों रुपए आता है इसके नाम पर भ्रष्टाचार फैला करके रख दिया है। आखिर भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? इधर से दिखा दीजिए, पहले पूरा फिर उधर चलते हैं। पूरा ये पंचायत भवन की तस्वीरें हैं, देखिए पूरी बाउंड्री जो है इतनी जर्जर है, पूरा जो है पंचायत भवन ही जर्जर है और यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं बना है। और यहाँ पे एक महिला है पंचायत सहायक, उससे भी बात करेंगे। ये देखो ये क्या है, बना क्या है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है शौचालय है या फिर घर है या पंचायत भवन है, आखिर है ये क्या? ये देखिए पूरा जो है टूटा फूटा सब पड़ा है, कुछ भी हालत जो है इतनी खराब हम क्या बताएं। आइए दिखाते हैं वहां पर, इधर 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 दिखा दीजिए कि कितना सब गंदा पड़ा हुआ है। उधर पूरा उधर से निकलने का रास्ता है। सीमा वर्मा जी, आप यहाँ पे किस पद पे हैं? पंचायत सहायक के पद पे। पंचायत सहायक जी। अच्छा ये बताओ पंचायत ये बना कब था? ये तीसरी पंचवर्षीय होगी है। तीसरी तब ये बना था जी। और ये देखिए जो है पूरा खिड़की उड़की सब टूटी, यहाँ पे कोई सिस्टम भी नहीं है और कुर्सियां रखी है सिर्फ कुर्सियां, वो भी हमने जबरदस्ती मंगवाई है। हाँ। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझसे बोला जाता था कि आप रेगुलर बैठिए यहाँ के, मुझे जमीन में बैठना पड़ रहा था तो मैं 4 बजे तक बैठी, मतलब ऐसे 15 दिनों तक हम बैठे रहे। उसके बाद कंडीशन क्या हुआ, मैंने कहा पंखा लगवा दीजिए, यहाँ पंखा भी नहीं लगवाया गया, कोई सिस्टम ही अलाउ नहीं किया जा रहा था, बोल रहे थे आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ 5 बजे तक ले सकती। कहाँ से आती हैं आप? मैं दविंदापुर से आती हूँ। अच्छा, मतलब साइकिल से आप आती हैं, साइकिल चला करके यहाँ से 3 किलोमीटर डेली आती हैं आप? रेगुलर आते हैं। तो अभी हम निकले थे तो आप थी नहीं? मैं सर्वे कर रही थी गाँव में, सर्वे कर परिवार रजिस्टर वाला। तो ये क्या है, शौचालय है बना? ये शौचालय है मेरा। शौचालय जी, शौच के लिए इसी में जाती है? अब क्या करें, मजबूरी है, इसमें इतना डर लगता है कि जाने का मन ही नहीं होता है। तो हम सब लोग क्या करते, 5 बजे तक इंतजार करते, जब 5 बजे तक अपने घर जाओ। अच्छा, यहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो इतना डर लग रहा है, आप ही बताइए आप जा सकते हैं इसमें? नहीं, शौचालय की तो हालत जो है बहुत खराब है। और ये देखिए पूरा जो है इसमें एक लेडीज है जो पंचायत सहायक है, वो बोल रही है कि हम अगर शौचालय कहाँ जाएं, बताइए ये शौचालय की कंडीशन देखिए जरा, पूरे शौचालय की। और यहाँ बताइए यहाँ के प्रधान कौन है? राम सिंह वर्मा। उनसे कहा नहीं है एक बार की पंचायत भवन बना हुआ है? बहुत बार बना है। सिस्टम वगैरह कहाँ है? सिस्टम वगैरह दिखाइए जरा, आइए पूरा अंदर दिखाते, पहले अंदर बात करते हैं आपका। यहाँ पे आप डेली आती हैं तो प्रधान कभी इस बात को जानकारी कोई आप बता रही कि नोटिस वगैरह हमको मिली है? क्या किस चीज की नोटिस मिली है? मुझे नोटिस मिली है कि आप सचिवालय में उपस्थित नहीं रहती हैं। अच्छा, उपस्थित आप आती नहीं है क्या? आते हैं लेकिन सुबह आते हैं 10 बजे अटेंडेंस लगाने के बाद, जब यहाँ का सिस्टम ऐसा है यहाँ कोई आता जाता नहीं है तो मुझे सर्वे करना होता है, तो मैं गांव में ही जाके सर्वे करूंगी, उनके घर घर जाना पड़ता है मुझे सर्वे करने के लिए। अच्छा, लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये पंचायत भवन की हालत इतनी खराब है, वहाँ बोर्ड दिखाइए, उधर बोर्ड दिखा दीजिए पूरा। ये देखिए पंचायत पूरा, मतलब जो इसके विकास के नाम पर लाखों रुपए जो निकाले गए हैं वो आखिर गए कहाँ? वाकई में जो यहाँ के जो विधायक हैं, सौता विधानसभा के जो विधायक हैं ज्ञान तिवारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और वो जांच भी बैठा चुके हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। और देख सकते हैं कि पंचायत भवन की हालत है, सिस्टम वगैरह यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, पूरा जो है सिस्टम वगैरह सब खा के बैठे। अभी में ना तो पंखा है, कोई व्यवस्था है और कुछ नहीं है, कैसे आप यहाँ पे आती है? अब मजबूरी है तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं आएंगे तो मेरे ऊपर 3 दिन लोग बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि आप नहीं जा रही हैं। आप ही बताइए, आपको अकेले पूरे दिन बैठा दिया जाए तो क्या कंडीशन आपकी होगी? और फिर ना तो यहाँ मंदिर की व्यवस्था है, ना तो किसी प्रकार का कोई सिस्टम। जाहिर सी बात है, एक महिला के लिए बड़ी बात है और यहाँ पे अगर महिला आती है तो उसके लिए शौचालय बनना चाहिए, क्योंकि शौच के लिए महिला कहा जाएगी, जबकि आदेश है कि हर पंचायत भवन में
सिस्टम लगाया जाए, बाकायदा सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे पंचायत सहायक बैठ करके जो अपना काम करे। लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम ही गायब है, लेकिन सिस्टम के नाम पर पैसा तो लाखों निकाल लिए गए होंगे, लेकिन आखिर सिस्टम गया तो गया कहाँ। मैडम ये बताइए आप कि इतना मतलब जब से ये जो ऊपर से मतलब रंग बता दिया है ये कब हुआ था? ये जब मेरा मतलब मुझे बोला गया था कि आप सचिवालय की चाबी लीजिए ये आपका काम है, उससे पहले कि इसको पोता दिया गया था। जब मैं आई तो यहाँ की कंडीशन देखा तो मैंने कहा कि ये तो सही नहीं है, यहाँ की खिड़कियां भी टूटी, मैंने सब लोगों से बोला और फिर एडीओ सर को जाके एप्लीकेशन लिख के दिया कि सर यहाँ की कंडीशन ये है, सब कहीं लाइब्रेरी दी गई है, सब कहीं सिस्टम दिया गया है, हम सब लोग हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया जा रहा है और हमसे बोला जा रहा है कि शाम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैठिए। अब जब मेरे पास कोई सिस्टम नहीं होगा तो हम वहाँ मतलब जो 8 घंटे हैं वो किस लिए हम मतलब क्या करेंगे वहाँ पर? यदि कोई काम है तब तो बैठना अच्छा लगता है। तो आप गांव में सर्वे किस चीज का कर रहे हैं? परिवार नगर रजिस्टर वाला। अच्छा परिवार, मतलब यहाँ पे सिस्टम ना होने की वजह से मुझे आप गांव गांव जाना पड़ता है। हाँ, मुझे हर एक घर घर जाना पड़ता है और वहाँ हर एक तर, एक तर, महिला साइकिल से जाती है और गाँव गाँव में किस वजह से जानती है? क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम नहीं है और व्यवस्थाएं नहीं है तो जाहिर सी बात है एक महिला जो है गांव-गांव जा करके जो है परिवार रजिस्टर में नाम पूरा वर्क कर रही है। अब सोचिए शौचालय नहीं बना हुआ है तो ये महिला कहाँ पे जाएगी? और डेली अभी वहां पे हम खड़े थे, दादी ने बताया भी था कि ये लड़की आती तो है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सच जरूर होगा। लेकिन नोटिस आपको क्यों दी गई? नोटिस मुझे इसके द्वारा नोटिस दी गई, ये मुझे ब्लॉक से मिली हुई है। ब्लॉक से नोटिस मिल गई आपको? ग्रुप पे आई हुई थी, कल पता चला था कि सेक्रेटरी सर आए हुए थे कहीं और मैं दूसरे गांव। सेक्रेटरी कौन है यहाँ का? सेक्रेटरी आलोक वर्मा सर है, आलोक यादव सर है। आलोक यादव सेक्रेटरी है? जी हाँ। तो उनका क्या कहना, उनसे आपने पूछा नहीं कि सिस्टम अभी तक यहाँ क्यों नहीं लगा है? मुझसे बोले तो मैंने उनसे पूछा कि सर सिस्टम नहीं है, हम वहाँ बैठ के क्या करें, हमको ऑफलाइन ये सारा वर्क करना पड़ा जो कि ऑनलाइन वर्क है। ये परिवार नकल रजिस्टर वाला जो वर्क है ये पूरा ऑनलाइन है, इसे ऑफलाइन नहीं करना है, मुझे रजिस्टर नहीं बनाने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि मतलब मुझे सिस्टम ना होने के कारण मुझे ये सारे जो काम थे मुझे ऑफलाइन करने पड़ते, उसके बाद मुझे फीडिंग करनी पड़ती है अपने मोबाइल पे जो कि कंप्यूटर पे होना चाहिए, तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। शाम को 6-6, 8-8, 7 बजे गया था कल जब मैं गई हुई थी, तो अब 3 कस्बे हैं मेरे यहाँ के, तो मैं 3रे कस्बे में हुई थी जो कढ़ेरा है वहाँ पे मैं वर्क कर रही थी और यहाँ आए बोले आप नहीं थी यहाँ, तो मैंने कहा सर आप ही बता दीजिए, आप जब वहाँ सिस्टम नहीं लगा है और मुझे बोला गया कि रजिस्टर कंप्लीट चाहिए तो मैं ऑफलाइन ही तो करूँगी, अब यहाँ तो कोई आएगा नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं जब वहाँ होंगी तो यहाँ कौन होगा? अब ना ताला डालूं कोई कुर्सी लेकर चले जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन रखेगा? मेरी नहीं, ताला तो पहली बात तो खाली कुर्सियां और टेबल यहाँ पे दिख रही है, कुछ और दिख नहीं रहा है, आप लोगों को भी दिख नहीं रहा होगा। और ये मैडम है क्या करें, अकेले यहाँ बैठे, क्योंकि ये लेडीज है, अगर अकेले यहाँ बैठी है तो कोई इसके साथ घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये गांव गांव चल करके जो है अपना वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी इसे जो है नोटिस दी गई। नोटिस किसी अधिकारी के द्वारा दी गई या फिर ब्लॉक के, मतलब ब्लॉक से मुझे लग रहा है एडीओ सर के द्वारा दी गई है। एडीओ जी, क्या नाम है एडीओ सर का? इस समय के तो अभी चेंज हुए, उसके पहले जो इससे पहले थे 2-4-10 दिन पहले उनका अभय चंद मौर्य। हाँ वही थे। अच्छा वो एडीओ पंचायत थे, तो मतलब उन्होंने के द्वारा नोटिस जारी किया? पता नहीं ये किसके द्वारा, लेकिन मुझे उसमें लिखा तो होगा ना, उस पे एडीओ लिखा है, नाम नहीं लिखा। अच्छा नोटिस कार्ड दिया? नोटिस कार्ड दिया। तो आप क्या करेंगे? नोटिस कार्ड दिया है, मैं उसकी सफाई दे दूंगी, मेरा रजिस्टर कंप्लीट है, मेरा कोई काम पीछे नहीं है, आपका काम पीछे है। अब आप समझिए, मुझे नहीं समझना है, आप मुझे हटा के एक पर थोड़ा रजिस्टर दिखाएंगे आप जो ऑफलाइन काम करती हैं? पूरे रजिस्टर कंप्लीट है, आप देख सकती हैं। जब आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तो ऑफलाइन क्यों काम कर रही है मैडम आप? ऑफलाइन मुझे सिस्टम नहीं मिल पाने की वजह से मुझे सारे काम ऑफलाइन करने पड़ रहे हैं। ये मेरे रजिस्टर हैं जो कि पूरे कंप्लीट हैं, पूरा मतलब रजिस्टर बना के रखी। देखिए ऑनलाइन सिस्टम है और जो है ऑफलाइन काम करना इनको पड़ रहा है, ये रजिस्टर वगैरह है, देखिए बाकायदा बना के रखी है, गांव गांव जाती है वर्क करती है, फिर भी इन्हें जो है नोटिस थमाई गई है। अब सोचिए खुद प्रधान इतना भ्रष्टाचार फैला रखे हैं, खुद सेक्रेटरी फैला रखे हैं, लेकिन एक महिला को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, एक महिला को, अरे थोड़ा सा भी तो सोचना चाहिए कि महिला को हम, जबकि ऑनलाइन जो है काम होता है लेकिन ऑफलाइन काम करना पड़ता है। ये मेरे यहाँ का शिकायत रजिस्टर है जिसपे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और वो सब लोग अपना शिकायत देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कम्प्लीट मिलना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है। अच्छा
कभी प्रधान के यहाँ, मतलब जो यहाँ के प्रधान है वो आते हैं यहाँ पंचायत भवन में? जब कभी ऐसे ही 15 अगस्त था, मैंने उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया कि सर आना है आपको, तभी पूरी तैयारी हो गई थी, उसके बाद एंडिंग टाइम पे आए थे। अच्छा, मतलब प्रधान को अपनी ग्राम पंचायत से कोई लगाव नहीं है? आते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। अच्छा, देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही कम आते हैं। कल आए हुए थे, वो भी शिकायत दी है मेरी कि तुम ऐसा ऐसा कर रही हो, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए मजबूरियां हैं, मैं यहाँ पे बैठ के पूरा काम नहीं कर सकती, यहाँ लोग आते नहीं हैं और मुझे काम कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए आप कहिए ना कि हमें सिस्टम दीजिए यहाँ पे। सिस्टम के लिए बोल चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी बोल रहे हैं कि आप लीजिए, 5 बजे के बाद हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अच्छा, 5 बजे तक मेरी ड्यूटी है, उतने टाइम यदि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन 5 बजे के बाद कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी प्रधान और सेक्रेटरी सर की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये पंचायत भवन की हालत देखिए, ना तो बोर्ड पे ऊपर लिखा है, खाली एक जो है बोर्ड पे लिखा है, ऊपर लिखा भी नहीं है कि ये पंचायत भवन है। अब सोचिए पूरी बाउंड्री इसकी जो है तहस नहस है, और अंदर हमने दिखाया है किस तरीके से जो है पूरी बाउंड्री गिरी हुई है, पूरा शौचालय जो बना हुआ है पीछे वो इतना नष्ट बना हुआ है कि इतना पैसा जो सरकार दे रही है वो पैसा वाकई में जा कहां रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। वाकई में पैसा अधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुका है कि चरम सीमा पर आ चुका है। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहे इंडिया की सोच। कैमरामैन पंकज के साथ सुनीता गौतम की रिपोर्ट।